नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया के स्टार स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन इन दिनों गजब के फॉर्म में है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के बूते टीम इंडिया ने इन दोनों टीमों को टेस्ट सीरीज में हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। इन दोनों टेस्ट सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि अश्विन की भारतीय लिमिटेड ओवर टीम में भी वापसी की जाए। हर कोई ये चाहता है कि अश्विन भारत के लिए वनडे और टी20 भी खेले। कई दिग्गजों ने ये मांग भी की। अब पहली बार अश्विन ने अपने टी20 और वनडे करियर पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि वो अपने लिमिटेड ओवर्स के करियर को लेकर चिंतित नहीं है और जैसा चल रहा है वो उससे काफी खुश है। इंडिया टुडे के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रविचंद्रन अश्विन ने कहा, कई बार लोग कहते हैं कि आपको अपने आप से मुकाबला करना है, लेकिन मुझे पता चल गया है कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाकर रखना है। जब भी मुझसे मेरी वनडे और टी20 टीम में वापसी को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो मुझे ये काफी हास्यास्पद लगता है, क्योंकि इस वक्त मैं अपनी लाइफ में जहां पर हूं उससे बहुत खुश हूं। आपको बता दें, रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी बार 2017 में भारत के लिए वनडे मुकाबला खेला था। तब से ही वो बाहर चल रहे हैं और उनकी जगह युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने ले ली थी। हालांकि अश्विन का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वनडे और टी20 टीम में है या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।